स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन स्टैंडर्ड सेकंड। सो टुडे वी आर गोइंग टू लर्न सब्जेक्ट इंग्लिश, इंग्लिश वर्कबुक। सो इन प्रीवियस लेक्चर वी जस्ट लर्नड फिलिंग द ब्लैंक्स। यहां तक हमने यहां तक फिलअप किया था, राइट? सो टुडे वी आर गोइंग टू लर्न सम मोर इंटरेस्टिंग एक्सरसाइज लाइक राइमिंग वर्ड्स। सो ओपन योर इंग्लिश वर्कबुक, ओपन योर इंग्लिश मैन कोड वर्कबुक, ये वाली आपको ओपन करनी है। एंड कम टू द पेज नंबर 10। 10 मींस 1 एंड 0, इट्स कॉल्ड 10। सो यू हैव टू ओपन दिस बुक एंड लेट्स जस्ट फिल दिस एक्सरसाइज एंड लर्न राइमिंग वर्ड। सो टुडे वी आर गोइंग टू लर्न राइमिंग वर्ड्स। फर्स्ट ऑफ ऑल, what is rhyming words? So rhyming words means जिसका ending sound same हो, जो भी words का ending sound same हो, उसे हम कहेंगे rhyming words, ठीक है? In a previous lecture we just learnt about rhyming words, so let's repeat it and let's learn it. Let's get started. First our rhyming words, you can see this exercise. Look, listen and repeat. Can you see this exercise? Look, listen and repeat. So you have to write down all of these words in your homework 4-line notebook at least 2 times. Okay? आपको ये सारे words जो अपनी homework 4-line वाली notebook है उसमें write down करना है, ठीक है? Let's see what is rhyming words. For an example, क्लास, आपको ये सारे राइमिंग वर्ड्स आपकी वर्कबुक में अवेलेबल है, आई नो, लेकिन फिर भी आप इसे अच्छे से लर्न कर पाए इसके लिए हम इसे अच्छे से सीखेंगे, ठीक है? एंड वी जस्ट स्टार्ट विथ अ नंबर 1 राइमिंग वर्ड एंड इट्स क्लास, CLASS। उसका राइमिंग वर्ड क्या होगा? यू कैन सी ग्लास, क्लास एंड ग्लास, यू कैन सी एंडिंग वर्ड्स, राइट? So here ending words are same, ending pronunciation are same. So उसे कहते हैं rhyming words. So it's called rhyming word. So easy and so simple. जो भी words होगा उसका ending sound same होगा, पूरा rhyming word बना जाएगा. Let's see CLASS, class. GLASS, it's called class. उसका rhyming word है. Class का rhyming words है. Here two rhyming words is here, class, glass and pass. So these are rhyming words of class. Class का हो गया glass and pass. PASS, pass. Our second rhyming word is cool. COOL, cool यानी कि ठंडा, ठीक है? Cool, it's very cool यानी कि बहुत ठंडा है, right? COOL, cool. तो cool का rhyming word होगा school and do. You can see the pronunciation are same and the ending words are same. So it called rhyming words. COOL and school. SCHOOL, school. यानी कि जो हम स्कूल में जाते हैं. और तो हम TOOL, कोई भी चीज साथ में से कहते हैं टू. TOOL, ठीक है? आपको अपनी अच्छी हैंडराइटिंग में 4-line नोटबुक में ये 2 टाइम्स लिखना है. यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है? Then found, our new rhyming word is found. Found यानी कुछ ढूंढना, उस चीज को ढूंढना, इसे कहते हैं found. Can you found my ball pen? वैसा वाला, ठीक है? FOUND, found. तो उसका rhyming word है round, ROUND. You can see this difference, UND, UND, UND. See? It's called a rhyming word. ROUND, SOUND, sound. Round यानि कि circle, ठीक है? Round यानि कि एक circle और जो sound है यानि कि कुछ आवाज. SOUND. Then brown, BROWN. Brown यानि कि हमारा एक कॉफी कलर का, right? एक कलर का नाम है brown, BROWN. तो उसका हो गया clown and down. CLOWN, clown यानी कि जोकर,
जो रखा जाता है फिर उसके ऊपर बैठते हैं उसे कहा जाता है सैडल एंड पैडल यानी कि चप्पू PADDLE पैडल ठीक है क्रेडल का हो गया सैडल एंड पैडल स्कैम CAME यानी कि आना CAME कैम उसका हो गया है न्यू वर्ड गेम GAME यानी सेम गेम यानी कि रमत एंड सेम यानी कि टू सेम टू सेम ठीक है GAME गेम एंड SAME यानी कि सेम देखिए ग्लास उसका हो गया ग्लास एंड पास फिर है कूल COOL कूल हो गया स्कूल एंड टूल फिर है फाउंड FOUND फाउंड का हो गया राउंड एंड साउंड राउंड राउंड का हो गया क्लाउन एंड डाउन क्रैडल क्रैडल का हो गया सैडल एंड पैडल कैम कैम का हो गया गेम एंड सेम ये फॉर एन एग्जांपल हमें दिया गया था जिससे आपको अच्छे से लर्न करना है और अपनी होल लाइन और बुक में राइट डाउन करना है राइट टू राइट न्यू वर्ड्स अब न्यू एक्सरसाइज इज राइट टू राइट न्यू वर्ड्स यू कैन सी दिस आपको भी साथ साथ में फिल अप करना है जैसे मैं यहाँ पर फिल अप करूंगी आपको भी साथ में फिल अप करना है ओके स्टूडेंट्स लेट्स लर्न इट अब फर्स्ट राइमिंग वर्ड इज वे यानी कि रास्ता क्या सेम होना चाहिए जो वर्ड है उसका आखिरी दो जो लेटर है वो सेम होना चाहिए ठीक है देखो ए वाई वे का क्या हो जाएगा सेम S A Y से यानी कि कुछ कहना एंड डे डी ए वाई डे ठीक है ये देखो वे से और डे कुक है COOK कुक यानी कि कुछ बनाना कुछ रसोई करना ठीक है उसे कहा जाता है कुक उसके बाद का हो जाएगा बुक BOOK और सेकंड राइमिंग वर्ड इज टू TOOK ठीक है देखिए ये लास्ट वर्ड है वो सेम उसका प्रोनाउंसिएशन भी थोड़ा सा सेम होना चाहिए BOOK बुक TOOK टुक तो हो गया हमारा राइमिंग वर्ड्स कुक बुक एंड टुक थर्ड वन इज है ठीक है घृणा करना उसका हो जाएगा प्लेट PLATE प्लेट यानी कि जो आपकी डिश होती है उसे क्या कहा जाता है प्लेट एंड अदर वन इज गेट GATE यानी कि दरवाजा हेड प्लेट एंड गेट लास्ट वन इज ग्राउंड ग्राउंड का हो जाएगा राउंड ROUND राउंड यानी कि मैंने पहले कहा था जो सर्कल होता है ठीक है ग्राउंड फाउंड राउंड वो सेम रहेगा और है साउंड SOUND साउंड यानी कि कुछ आवाज ध्वनि ग्राउंड राउंड एंड साउंड सो दीस आर आवर राइमिंग वर्ड्स यू हैव टू लर्न इट वे से डे कुक बुक एंड टुक हेड प्लेट एंड गेट ग्राउंड राउंड एंड साउंड ओके अब नेक्स्ट एक्सरसाइज फिल इन द ब्लैंक्स यू कैन सी हियर फिल इन द ब्लैंक्स ऑन पेज नंबर 10 लास्ट एक्सरसाइज फिल इन द ब्लैंक्स लेट्स फिल हियर वी कैन सी सम ऑप्शंस वी यूज दिस ऑप्शंस एंड फिल दिस ब्लैंक्स सो इजी लेट्स स्टार्ट आवर फर्स्ट एक्सरसाइज इज चिल्ड्रन जो बच्चे होते हैं वो क्या करते हैं बच्चे जब होते हैं छोटे छोटे बच्चे होते हैं वो खेलते हैं तो खेलने को इंग्लिश में क्या कहा जाता है यस प्ले चिल्ड्रन प्ले PLAY प्ले यानी कि खेलना चिल्ड्रन प्ले जो बच्चे होते हैं वो खेल रहे हैं बच्चे खेलते हैं चिल्ड्रन प्ले उसके बाद है बेल्स बेल्स यानी कि जो घंटी होती है ना वो तो वो क्या करती है वो बजती है उसे क्या कहा जाता है रिंग RING बेल्स रिंग बेल्स रिंग RING रिंग ठीक है
bells ring. Our third exercise is dogs. Doggy क्या कहते हैं? यानी कि वो भौंकते हैं, तो उसे क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? It's a bark. B A R K. B A R K. Bark. ठीक है? Friday.
फ्राइडे के बाद कौन सा आता है? अवर लास्ट डे ऑफ द वीक, यस सैटरडे, एस ए टी यू आर डी ए वाई, सैटरडे यानी शनिवार। कैसे याद करोगे? एस टी एच यू आर एस के बाद डी ए वाई, थर्सडे यानी गुरुवार, फ्राइडे। सो इज इन सो सिंपल स्पेलिंग ऑफ फ्राइडे, एफ आर आई एंड देन यू हैव राइट सी डी ए वाई। सैटरडे एस ए टी, पहले आप याद रखोगे एस ए टी, उसके बाद यू आर, उसके बाद डी ए वाई। ऐसे आपको पूरा स्पेलिंग जो है अच्छे से याद कर लेना है, ठीक है? उसके बाद की जो एक्सरसाइज है, करेक्ट द मिस्टेक्स एंड रीराइट द सेंटेंसेस। जो भी मिस्टेक है उसे करेक्ट करनी है और एक फिर से सेंटेंसेस आपको लिखना है, ठीक है? लेट्स जस्ट राइट इट। आई होप कि आप सबने ये लिख लिया होगा, सो आई जस्ट इरेज इट। For an example हमें यहाँ पर दिया गया है, let's see what is it, ये देखो, what is Joy doing? आपको क्या करना है, जहाँ पर भी capital letter use करना हो वहाँ पर capital letter को use करना है, जो question sentences हो वहाँ पर question mark करना है, full stop नहीं करना, ठीक है? Let's learn। तो हम उसमें क्या क्या ऐसे difference है, हम उसमें क्या correct कर सकते हैं? हाँ yes, यहाँ पर जो हमारा first letter है वो रहेगा capital letter, ये बात। W what is, जो name होता है, जो name होता है उसका जो पहला लेटर होता है वो हमेशा कैपिटल रहना चाहिए, आपको ये याद रखना है। उसका जो नेम होता है, कभी भी किसी का नेम होता है तो वो उसका जो पहला लेटर है वो कैपिटल रहेगा, ठीक है? ये हो गया कैपिटल लेटर हमारा जय का, और फिर डूइंग सेम रहेगा। और वर्ड से स्टार्ट होता है, एक क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होता है, वर्ड यानी कि क्या। यहाँ पर हमें पूछा गया है व्हाट इज जय डूइंग, जय क्या कर रहा है, व्हाट यानी कि क्या, जय यानी कि वो एक लड़की का नेम, डूइंग यानी कि कर रहा है कुछ क्रिया, राइट, इज एक वर्ब है, वर्ब के विदाउट वर्ब यू डोंट मेक अ सेंटेंस, वर्ब के बिना एक पूरा वाक्य पॉसिबल नहीं बनता, ठीक है? तो व्हाट इज जय डूइंग, जय क्या कर रहा है, देखो ये क्वेश्चन है, हमें लास्ट में क्या करना चाहिए, फुल स्टॉप की जगह पर क्वेश्चन मार्क राइट करेंगे, राइट, व्हाट इज जय डूइंग, ये हमारा एग्जांपल था। आगे हम फिल अप कर लेते हैं, सो आवर फर्स्ट सेंटेंस इज आई एम अ गुड बॉय, ठीक है? यहाँ पर लास्ट में फुल स्टॉप की कुछ भी दिया गया नहीं है, जिसे हमें कंप्लीट करना है। तो आई है हमारा सेंटेंस का पहला लेटर कौन सा होता है, इट्स अ कैपिटल, सो वी हैव टू राइट हियर कैपिटल लेटर आई, जैसे कैसा रहेगा आई एम अ गुड बॉय, ठीक है? ये कोई नाम नहीं है, एडजेक्टिव वर्ब है, ठीक है? गुड यानी कि अच्छा, मैं एक बहुत अच्छा लड़का हूँ, तो गुड का गुड ही रहेगा और बॉय का सेम रहेगा बॉय, लेकिन लास्ट में फुल स्टॉप करना ना भूले, ठीक है? सेंटेंस के लास्ट में या तो फुल स्टॉप होगा या फिर क्वेश्चन मार्क होगा, ठीक है? ये आपको सेंटेंस देखकर तय करना है। अब सेकंड सेंटेंस इज टुडे इज संडे, S U N D A Y, ऐसे यहाँ पर लिखा है, so small s, right?
हम इसमें क्या करेक्ट करेंगे और क्या मिस्टेक्स यहाँ पर है. लेट्स सी व्हाट इज द मिस्टेक इन दिस सेंटेंस. फर्स्ट कैपिटल लेटर होना चाहिए एंड देन जो संडे है जो वीक ऑफ नेम है डे ऑफ नेम है वो हमें कैपिटल करना है फर्स्ट एस पर. लेट्स सी टुडे टी कैपिटल रहेगा इज एस कैपिटल रहेगा एस डी एन बी ए वाई संडे और लास्ट में फुल स्टॉप करना ना भूले यानी कि डॉट जिसे कहा जाता है एक डॉट को कहा जाता है फुल स्टॉप और इसे कहते हैं क्वेश्चन मार्क. ठीक है ये साइन है. किसे कहा जाता है पहले और आफ्टर यानी कि बाद में.
पीछे, ठीक है, बाद में, और बिफोर यानी कि पहले। यानी कि मैं अपने फूड यानी कि भोजन से पहले खाना खाने के बाद मैं अपना मुंह साफ करता हूँ। तो क्या आज हम यूज करेंगे आफ्टर या बिफोर? यस आफ्टर, ठीक है। यहाँ पर हमें लिखना है आफ्टर, AFTER आफ्टर। ईटिंग माय फूड आफ्टर ईटिंग माय माउथ यानी कि खाना खाने के बाद मैं अपने मुंह को साफ करता हूँ। सही होता है ना, खाना खाने से पहले हम साफ नहीं करते, खाना खाने के बाद जो मुंह गंदा हो जाता है तो हम उसे साफ कर लेते हैं। सो यहाँ पर यही कहा गया है, आई क्लीन माय माउथ आफ्टर ईटिंग माय फूड, मैं अपना मुंह साफ कर लेता हूँ खाना खाने के बाद। इसीलिए हमने यहाँ पर यूज किया आफ्टर। फोर्थ वन इज खेलने के बाद हम अपने हाथों को साफ
बाद में, मैं घर जाने के बाद मेरा होमवर्क कंप्लीट कर लेता हूँ या फिर मैं अपना होमवर्क कर लेता हूँ, ठीक है। I do my homework after I go home। मैं घर जाने के बाद अपना होमवर्क कंप्लीट कर लेता हूँ या फिर कर लेता हूँ, ठीक है। आपको भी साथ में ये फिलअप करना है। अब सिक्स, ब्लैंक इज आई वेयर माई शूज। वेयर यानी कि पहनना, आई वेयर माई शूज यानी कि जूते। दैट्स गोइंग टू स्कूल। तो स्कूल जाने से पहले जूते पहनते हैं या स्कूल जाने के बाद जूते पहनते हैं? यस, पहले। उसके लिए हम कौन सा वर्ब यूज करेंगे? पहले के लिए बिफोर, BEFORE, बिफोर यानी कि पहले, AFTER, आफ्टर यानी कि बाद में। तो मैं स्कूल जाने से पहले अपने जूते पहन लेता हूँ, वेयर यानी कि पहनना, और माई शूज, माई यानी कि मेरा, शूज यानी कि जूते, और गोइंग टू स्कूल यानी कि स्कूल जाना। तो बिफोर यहाँ पर आंसर होगा, सही आंसर होगा बिफोर, BEFORE, बिफोर यानी कि पहले। स्कूल जाने से पहले मैं अपने जूते पहन लेता हूँ, ठीक है। यस, एंड अवर लास्ट ब्लैंक इज सेवन। व्हाट इज, आई सिट इन द क्लासरूम। आई सिट इन द क्लासरूम, दैट्स टीचिंग द स्कूल। मैं अपने क्लास में बैठता हूँ। स्कूल पहुंचने के बाद क्लास में बैठा जाता है या स्कूल पहुंचने से पहले क्लासरूम में बैठा जाता है? यस, बाद में। जब आप स्कूल पहुंचोगे उसके बाद ही क्लासरूम में बैठोगे ना, तो उसके बाद हम क्या यूज करेंगे? यस, आफ्टर, बिफोर यानी पहले, आफ्टर यानी कि बाद में। सो आफ्टर का क्या स्पेलिंग है? कैन यू टेल मी? यस, AFTER, आफ्टर यानी कि बाद में। स्कूल पहुंचने के बाद मैं अपने क्लासरूम में बैठता हूँ। सीट यानी कि बैठना, क्लासरूम यानी कि वर्क पर, और रीचिंग स्कूल, रीच यानी कि पहुंचना, कभी भी कहीं जगह पर पहुंचना, किसी प्लेस को इंडिकेट करता है। रीचिंग यानी कि पहुंचना, स्कूल यानी कि जब स्कूल जाते हैं वही। तो स्कूल पहुंचने के बाद मैं अपने क्लासरूम में बैठता हूँ। सो दैट्स व्हाई वी हैव टू राइट हियर आफ्टर, आफ्टर यानी कि बाद में, AFTER, और बिफोर यानी कि पहले। यहाँ तक हम रखते हैं। आपको ये सारा का सारा जो ब्लैंक्स है, जो एक्सरसाइज हमने आज डन की, उसे अपनी इंग्लिश वर्क बुक में अच्छे से फिलअप करना है इन योर गुड हैंड राइटिंग, और बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में इसे लर्न करेंगे, ठीक है। सो यू जस्ट हैव टू राइट इन योर इंग्लिश वर्क बुक, और जो वो राइमिंग वर्ड्स थे फर्स्ट वाले, यहाँ देखिए जो राइमिंग वर्ड्स थे वो आपको फिलअप करने हैं, ठीक है।